दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। जैसे साहब, ये उरूज अहमद की डीएनए रिपोर्ट है, इसके मुताबिक उरूज अहमद ही वकार अहमद और मैरिन बेगम की बेटी। लिहाजा अब शक की कोई गुंजाइश नहीं, और उसके साथ साथ मैरिन बेगम की मेडिकल रिपोर्ट भी है जिसमें साफ साफ लिखा है कि वो ज़हनी तौर पर बिल्कुल ठीक हैं, लिहाजा उनकी गवाही को झुटलाया नहीं जा सकता जो अदालत के रिकॉर्ड में पहले से मौजूद है। और सबसे बड़ी बात, आपके पास जो फाइल है उसमें जायदाद की मुंतकली के कागजात की नकल मौजूद है। जैसे साफ जाहिर होता है कि वकार अहमद ने अपनी सारी जायदाद अपनी बेटी उरूज अहमद के नाम 22 साल पहले की थी। अब मैं मौजूद अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इस केस का फैसला मेरी मौकला उरूज अहमद के हक में सुनाया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। आप भी तशरीफ रखिए प्लीज। वकील सफाई और प्रोसिक्यूशन के तमाम दलाइल सुनने के बाद तमाम सबूतों और गवाहों की रोशनी में यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मरहूम वकार अहमद की बेटी दरअसल उरूज अहमदी है। और वही असल में इस जायदाद की और तमाम बिजनेस की हकदार भी है। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोर्ट इज एडजर्न।
नसीबा, नसीमा। अरे आप गए नहीं अभी तक? अरे अब कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, उरुज का फोन आया था। उरुज का फोन आया था? सब खैरियत है ना? हाँ खैरियत है, और बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुबारक हो, फैसला हमारी उरुज के हक में हुआ है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। देखा, मैं ना कहता था अंधेरा जितना भी बढ़ जाए रोशनी की एक किरण उसे खत्म कर देती है, और रोशनी की ये किरण है हमारी उरुज। हाँ बिल्कुल ठीक कहते थे आप, बहुत दुख उठाए हमारी उरुज ने। अरे दुख उठाने पड़ जाते हैं, अल्लाह अपने नेक बंदों को आजमाता है, और जब ये आजमाइश खत्म होती है तो इज्जत मजलूम के हिस्से में आती है और जालिम रुस्वा हो जाता है। कुर्बानी ना सिर्फ फलती फूलती है बल्कि उसका फल भी बहुत मीठा होता है। मास्टर साहब बहुत सबर किया है हमारी उरुज ने। और अल्लाह तो है ही सबर करने वालों के साथ, जब वो साथ है तो फिर किसी की क्या जरूरत। खुदा करे कि हमारी उरुज के घर में खुशियां घर कर जाए, और अल्लाह पाक सलमान को उरुज के हक में बेहतर बना दे। आमीन। अरे ये लो मिठाई खाओ हमारी बेटी की कामयाबी की खुशी में। पहले मैं शुक्राने के नफिल अदा करूंगी, उसके बाद मुंह मीठा करूंगी। ये तुमने अच्छा याद दिलाया, मैं भी शुक्राने के नफिल अदा करूंगा, वजू करके आता हूँ। दुनिया की आसाइशें असल कामयाबी नहीं है, असल कामयाबी तो मोहब्बत में कामयाबी है। हो जिंदगी है एक तमाशा, पल में तोला पल में बाशा, ओ यारा जी ले जरा। दीजिए ना। मर गए हम आपकी मोहब्बत है।
अम्मी कोर्ट का ऑर्डर दें। ये रहा कोर्ट का ऑर्डर। अब तो किसी बदगुमान को गुमान नहीं रहा कि मैं इस घर की मालकिन नहीं हूं। जालिम और नाइंसाफी की एक ही रात होती है। और हर रात के बाद एक सुबह आती है। और वो रोशन सुबह सिर्फ मजलूम की होती है। अब आप खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हैं? अपना सामान समेटिए और निकलें यहां से। नहीं मैम। ताया जान, माफी का वक्त गुजर चुका है। अब तो सजा का दौर शुरू हुआ है। अरे आप लोगों में तो गुजरे हुए वक्त का भी लिहाज नहीं था। लेकिन मैं एक तोहफा दे रही हूं आप दोनों को अपनी तरफ से। इस घर से दूर जा रहे हैं तो आप लोगों के रहने का बंदोबस्त कर दिया है मैंने। लेकिन आज की रात हम किसी गैर की सूरत अपने घर में हरगिज नहीं देखना चाहते। लिहाजा हमारे घर से निकल जाओ। चले अम्मी। मिसाई, अरीश को इनके कमरे में ले जाएं और ये फाइल भी। जी।
हमजा, क्या कहा उन लोगों ने? झूठे लोग झूठ के अलावा क्या भी कह सकते हैं। अब पता चलेगा जब घर और दिल उजाड़े जाए तो कैसा फील होता। देखती जाओ, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। इसका मतलब है अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली। मैं हमजा नहीं, किस बात का बदला ले रहे वो आपसे? मैं बताती हूँ, उसकी शादी रानिया से नहीं हुई ना, इसीलिए वो इस बात का बदला ले रहे मुझसे। आखिरकार हम आ गए अपने घर में। आना ही था हमें। पूरे दिन की थकन के बाद सुकून तो अपने ही घर में मिलता है। मेरा सलमान भी तो थक गया होगा। उसने भी तो हमारे साथ सफर किया। सलमान? वो तो नहीं था हमारे साथ। वो उनके साथ भी नहीं था। वो तो बस कुछ लोगों के बहकावे में आ गया था, वरना तुम तो जानती हो सलमान। मोहब्बत भी कितनी अजीब सी चीज होती है अम्मी। एक बार अगर किसी से हो जाए तो उसका कोई भी ऐब हमें दिखाई नहीं देता। तुम मोहब्बत सलमान से, क्या जवाब दूं आपको इस बात का? आप बताएं, आप क्या चाहते हैं? तुम क्या चाहती हो? हम दोनों, मतलब
मैं और तुम एक माँ और एक बीवी, समझ रही हो ना? जी, क्या समझी? आप ये चाहती हैं कि सुलमान हमारे साथ रहे, कहीं ना जाए? क्या तुम ऐसा नहीं चाहती? मास्टर साहब, हम कितनी बार बेटी को रुखसत करेंगे और उसके जाने के बाद उसको याद कर रोते रहेंगे? रोज एक बार फिर हमारे घर को सूना कर गई। मैं क्या कह रही हूं आप सुन रहे हैं ना? सुन लिया है नसीमा। बेटियां ससुराल में हो तो अच्छी बात होती है। तो आप क्यों खुश नहीं? मैं ससुराल के बारे में सोचकर परेशान हूं। इदरीस, शाइस्ता, यहां तक कि उरूज का शौहर सलमान, सभी तो मुखालिफ हैं, फिर कैसा ससुराल? अगर उरूज और महरीन बहन ने ही साथ रहना है तो फिर तो उरूज का महका हुआ ना। हो सकता है वो लोग घर छोड़ के ही ना जाएं। ये ज्यादा खतरनाक सूरत है और यही मैं सोच रहा हूं। तो मुझे भी समझाएं ना। देखो, जो लोग उरूज, महरीन, यहां तक के उस मासूम की जान के दर पे हो, तो इतनी आसानी से सब कुछ नहीं छोड़ सकते। तो फिर क्या होगा?
ये मेरा घर है, मुझे यहां से कोई नहीं निकाल सकता, कोई भी नहीं निकाल सकता, ये सब कुछ मेरा है। ये सब कुछ मेरा है, शाइस्ता का है, ये सब कुछ शाइस्ता का। इस साल हुकूमत की है मैंने इस घर में। शाइस्ता, शाइस्ता ये क्या कर रही हो? खुद को संभालो शाइस्ता। कैसे संभालूं? क्यों संभालूं? इद्रीस, इद्रीस, मैं ये घर छोड़कर नहीं जा सकती, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, ये हमारा घर है, मैं नहीं जाऊंगी। ये शायस्ता का। मेरी बात सुनो, जाना तो हमें पड़ेगा। हर चीज की मिल्कियत उरूज को मिल गई है, कोर्ट का ऑर्डर है, बात को समझो। नहीं, मैं किसी कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानती। ये सब कुछ मेरा है, मैं मालिक हूँ सब चीजों की। वो मुझे निकालेगी इस घर से, वो निकालेगी। बस करो शाइस्ता, बस करो, खुद को इस तरह अजियत मत दो। नहीं, मैं खुद को अजियत थोड़ी दूंगी। मैं तो अजियत उन लोगों को दूंगी जिन लोगों ने मुझे इस घर से निकालने का सोचा भी कैसे? तुम समझ नहीं रही हो, हम कुछ नहीं कर सकते। तुम लोग कुछ नहीं कर सकते होगे, लेकिन शाइस्ता, शाइस्ता को कोई नहीं रोक सकता, शाइस्ता को कोई नहीं रोक सकता, शाइस्ता तो कुछ भी कर सकती है। वो कल की लड़की मेरे इतने सालों की प्लानिंग को इस तरह से तबाह कर देगी? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये मेरा घर है। कहाँ रह गया ये सलमान? अब सलमान आएगा, वही तुम्हें संभालेगा। शाइस्ता, ये क्या हो गया तुम्हें? क्यों कर रही हो उस तरह? लड़की ने जब से मेरी जिंदगी में कदम रखा है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरी इतने सालों की प्लानिंग्स को तबाह कर दिया। मुझे मेरे घर से बेघर न करना चाहती है। नहीं, नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, ये सब कुछ मेरा है, मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, मैं नहीं जाऊंगी, ये सब कुछ मेरा है, मैं नहीं जाऊंगी, ये सब कुछ मेरा है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। उठो शाइस्ता, उठो शाबाश, उठो, उठो, उठो,
हम कुछ नहीं कर सकते। सुन लिया मैंने। जानती हूं आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन शायस्ता कर सकती है। आप देखिएगा, आप शायस्ता करके दिखाएगी, शायस्ता करके दिखाएगी। मैं इस उरूज की जिंदगी को इतना हसीयतनाक बना दूंगी ना कि जिंदा रहते हुए भी मरती हुई सी लगेगी। तड़पा तड़पा के रखूंगी, पानी तक नसीब नहीं होगा उसकी जिंदगी को। मैं जीते जी जानम बना दूंगी। देखना तू यही रहना, कोई अंदर ना आए, मैं जाके देखती हूं उसको। देखा आपने, अल्लाह की लाठी बे आवाज है। अरी सो गई जी छोटी बीबी साहिबा, बड़े मजे से। मसाई, सलमान आ गया क्या? नहीं बड़ी बीबी साहिबा, अभी तक तो नहीं आए, लेकिन मैंने चौकीदार से कह दिया है कि जैसे ही छोटे साहब आए आपके पास भेजे। और ताया ताई चले गए? वो लोग नहीं, वो भी अभी तक कमरे में ही है। उनके कमरे से तो बस लड़ने झगड़ने और चीखों की आवाजें आ रही थी। और फिर एकदम से खामोशी हो गई। अरीच, मसाई चले। तुमने और तुम्हारी माँ ने और तुम्हारी माँ की माँ ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। दुश्मन हो तुम लोग मेरे। तुम हो वो जख्म जो मैंने मेहरीन और उरूज को देना है। अरीज, अरीज कहाँ है? सब दुश्मन है मेरे। तुम लोगों ने मेरा सब कुछ छीन लिया है, इसलिए अब तुम्हें मरना पड़ेगा। अम्मी, अरीश तो कमरे में ही नहीं है। क्या
अरे कहाँ होगी रीच मसाई? तो मैं तुम्हें गिरा के मार देती हूँ। आरिश रुक जा, क्या कर रही हो? खबरदार दूर, दूर, दूर। शाइस्ता बिल्कुल दूर रहना। छोड़ दूर रहना, मैं इसे नीचे फेंक दूंगी, मार दूंगी इसे। ये मासूम है, इसने क्या बिगाड़ा है आपका? प्लीज दे दे इसे मुझे। ठीक कह रही हो, इसका कोई कसूर नहीं है। कसूर तो इसकी माँ का, तुम्हारी माँ का। दिल कर दिया है मेरी आशिकी को तू।